Friends, welcome to my channel Mathematical Station. This is chapter number 7 fraction of class 6. इस वीडियो में हम अपने एग्जांपल क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 6. कंपेयर 4 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन 6. यहां पे हमारे पास दो फ्रैक्शन नंबर है, हमें दोनों को कंपेयर करना है. कंपेयर मींस हमें बताना है कि इन दोनों में से बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है एंड छोटा फ्रैक्शन कौन सा है. फ्रैक्शन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका. दो फ्रैक्शन है हमारे पास 4 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन 6. इन दोनों में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. इसमें हमें ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना होगा. जब हमारे पास दो फ्रैक्शन है जिनके दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, अगर हमारे दोनों के डिनोमिनेटर सेम होते तो सिंपल हम न्यूमरेटर की वैल्यू से कंपेयर कर देते. 4 और 5 में हम कंपेयर कर देते कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है. लेकिन डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं तो इसमें हमारा प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है. इसमें जब हमारे पास डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले हमें दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा. ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ 5 एंड 6. 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे हम. यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे. 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, 5 ऐसे आएगा. ये हो जाएगा 3. देन 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा एंड ये हो जाएगा 1. फिर 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 1. हमें जब तक नंबर को डिवाइड करते जाना है जब तक यहाँ पे सारे नंबर्स के नीचे 1 1 नहीं आएगा. एलसीएम निकालने के लिए अब हम इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 2 3 6 एंड 6 5 30. सो 5 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 30. अब हमें क्या करना है, अपने दोनों फ्रैक्शन नंबर लेने. फर्स्ट है 4 अपॉन 5, इसका हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डिनोमिनेटर हमें 30 चाहिए. सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके. सो 4 अपॉन 5 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा 30 आए. दोनों के डिनोमिनेटर लेंगे. 5 को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास 30 आ जाए. 5 की टेबल पढ़ेंगे हम. 5 6 30 होता है. सो यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेंगे हम 6. न्यूमरेटर को भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 4 6 24 एंड 5 6 30. सो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, 24 अपॉन 30. सेकेंड फ्रैक्शन है हमारे पास 5 अपॉन 6. यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर 30 ही बनाना है. दोनों का डिनोमिनेटर हमें इक्वल बनाना होता है. सो 6 की हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 30 आ जाए. 6 की टेबल में 30 कहाँ आता है, 5 पर. 6 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 30 आएगा. न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 5 25 एंड 6 5 30. सो ये जो हमारे फ्रैक्शन है 24 अपॉन 30 एंड 25 अपॉन 30, ये दोनों हमारे 4 अपॉन 5 एंड 5 अपॉन 6 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. 4 अपॉन 5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 24 अपॉन 30 एंड 5 अपॉन 6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 25 अपॉन 30. अब हमें क्या करना है, 24 अपॉन 30 एंड 25 अपॉन 30, इन दोनों फ्रैक्शंस के बीच हम कंपेयर करेंगे. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे 24 एंड 25. दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ऑफकोर्स 25 बड़ा है. सो ये जो हमारा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर 25 है वो फ्रैक्शन नंबर हमारा बड़ा होगा. ये हो जाएगा 24 अपॉन 30 इज ग्रेटर देन 25 अपॉन 30. अब हमें देखना है 25 अपॉन 30 किसकी वैल्यू है, 5 अपॉन 6 की. सो ये जो 5 अपॉन 6 वाला फ्रैक्शन नंबर है हमारा ये बड़ा होगा. 4 अपॉन 5 इज लेस देन 5 अपॉन 6. 5 अपॉन 6 बड़ा है, 4 अपॉन 5 छोटा है. ये हमने दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर किया है. कंपेयर कर रही है हमने, इसमें बताया कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. 4 अपॉन 5 छोटा है, 5 अपॉन 6 बड़ा है. सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर 6. Now move on to the next example. Now next example number 7. Compare 5 upon 6 and 13 upon 15. यहाँ पे भी हमारे पास दो फ्रैक्शन नंबर है 5 upon 6 and 13 upon 15. हमें दोनों फ्रैक्शन नंबर को कंपेयर करना है. कंपेयर करके हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन हमारा छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका. 5 upon 6 and 13 अपॉन 15, दोनों फ्रैक्शन नंबर में हम कंपेयर करेंगे. दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. उसके लिए हमें पहले एलसीएम लेना होगा दोनों डिनोमिनेटर का. एलसीएम ऑफ 6 एंड 15.
सिक्स और फिफ्टीन का एलसीएम लेंगे क्या आएगा, पहले हम टू से डिवाइड करेंगे इन नंबर्स को, टू से सिर्फ हमारा सिक्स डिवाइड हो सकता है, फिफ्टीन टू से डिवाइड नहीं हो सकता। सिक्स को टू से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा थ्री, फिफ्टीन डिवाइड नहीं होगा, फिफ्टीन को हम ऐसे ही लिख लेंगे। देन थ्री से डिवाइड करेंगे हम ये हो जाएगा वन, फिफ्टीन भी थ्री के टेबल में आता है तो यहाँ पर आएगा फाइव। उसके बाद हम इसको फाइव से डिवाइड करेंगे वन एंड वन, इन तीनों नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे, टू थ्री जो सिक्स, सिक्स फाइव जो थर्टीन। सो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना आएगा, थर्टीन। फाइव अपॉन सिक्स का भी हमें डिनोमिनेटर कितना बनाना है, थर्टी बनाना है यहाँ पे। सो सिक्स की हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास थर्टी आ जाए। सिक्स की टेबल में थर्टी कहाँ पर आता है, फाइव से मल्टीप्लाई करने पे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाएगा फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव एंड फाइव सिक्स जो थर्टीन। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारे पास थर्टीन अपॉन फिफ्टीन, यहाँ पे भी हमें डिनोमिनेटर थर्टी बनाना है। फिफ्टीन की टेबल में हम देखेंगे थर्टी कहाँ पर आता है, फिफ्टीन वन जो फिफ्टीन, फिफ्टीन टू जर थर्टी होता है। सो फिफ्टीन की टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्टी बन जाएगा। न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा थर्टीन टू जर ट्वेंटी सिक्स एंड फिफ्टीन टू जर थर्टीन। दो फ्रैक्शन नंबर कौन कौन से बन के आए हमारे पास, ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी एंड ट्वेंटी सिक्स अपॉन थर्टी। दोनों के बीच हम कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, ट्वेंटी सिक्स बड़ा है। सो ये जो हमारा फ्रैक्शन है जिसका न्यूमरेटर है ट्वेंटी सिक्स, ये फ्रैक्शन नंबर हमारा बड़ा होगा। ट्वेंटी सिक्स अपॉन थर्टी जो है वो ट्वेंटी फाइव अपॉन थर्टी से बड़ा फ्रैक्शन है। अब हम देखेंगे ट्वेंटी सिक्स अपॉन थर्टी किसकी वैल्यू है, थर्टीन अपॉन फिफ्टीन की। सो ये हो जाएगा थर्टीन अपॉन फिफ्टीन इज ग्रेटर देन फाइव अपॉन सिक्स। थर्टीन अपॉन फिफ्टीन बड़ा फ्रैक्शन है, फाइव अपॉन सिक्स छोटा फ्रैक्शन है। सो दिस वॉज एग्जाम्पल नंबर सेवन, एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी आगे की एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए एंड फॉर फुल सिलेबस सब्सक्राइब माय चैनल।